गुड मॉर्निंग, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ये अष्टमी के दिन का है, तो सुबह सुबह फूल तोड़ रहे थे, झाड़ू पोछा सब कुछ, क्लीनिंग का काम सारा हो गया था घर का, तो आ गए थे फूल तोड़ने। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सुबह सुबह तो 4 बजे भोर में उठ के जो लोग फूल ले गया सो ले गया, बाद बाकी अभी हम फूल तोड़ रहे थे उस समय भी कुछ लोग आए, ले लो भाई, माँ का ही तो पूजा करना है। अरे अरे के है तो दोनों बगल वाली थी, एक पीछे साइड एक बाहें साइड। तो एक तो चाची हैं, ओल्ड लेडीज है, तो वो थी और साथ में उसको लेके आई थी। वो और 2 दिन फूल लेने आई थी, फिर देखे कि नहीं आई तो हम भी छोड़ दिए भाई। जब ज़रूरत नहीं होगा तभी तो, जब ज़रूरत होगा तो अपने मांगेगी। तो इतना दिन में फूल तोड़ तोड़ के ना सब डाल सब तोड़ तोड़ दिया, जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक तो ठीक है, जहाँ नहीं पहुँचता है वही सब रह गया ऊपर में। तो ऊपर वाला था तो हम भी नहीं तोड़ते थे, क्योंकि ऊपर वाला तोड़ने के चक्कर में डाल ही टूट जाता। तो बोली कि अपना हस्बैंड को बुला के लाए तोड़ देंगे, मतलब बुला लो। तो अपना हस्बैंड को बुला के लाए, फिर वही 4 फूल तोड़ के ऊपर से उसको दिया। अभी इन लोग नया नया आया है, किराएदार है। अब ले चलो, कम से कम मेरे पास फूल है तो सबके हाथ से चढ़ तो जाएगा माँ का पैर में। यही बहाने हम तो मंदिर जाएंगे नहीं। तो पिछले साल अच्छा पूजा यहाँ दुर्गा पूजा हुआ था, इस बार तो अजीब कर दिया है, एकदम छोटा सा मूर्ति शायद बैठा है, हम तो देखे भी नहीं। उस दिन गया था तो नहीं था, उन लोग बोल रहे थे कि छोटा सा मूर्ति बैठाया, पता नहीं क्यों ऐसे किया। वही अपना हस्बैंड को बुला के लाई, उसके बाद ऊपर से फूल तोड़ के दिया। हम बोले भी कह रहे छोड़ो, उधर है उधर से तोड़ के दे देते हैं। तो फिर इन लोग चला गया, फिर उसके बाद एक जनावर आया, चाची फूल दीजिएगा मुंडन ले लो। तो हम तो तोड़ ही रहे थे, उन लोग भी सब आके अपना ले लिया लोग, और नीचे जो अपराजिता था गिरा हुआ सारा एक एक सब चुन लिया लोग, एको वो नहीं रहा। हम आ गए थे अपराजिता नहीं हर श्रृंगार कर, हम आ गए थे अपराजिता तोड़ने के लिए इधर। तो ये हो गया मेरा पूजा का फूल।
हेलो गुड मॉर्निंग। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है दिन महाअष्टमी, दिन है बुधवार, तिथि है महाअष्टमी। तो आज महागौरी माँ का पूजा होता है। तो आप सबको भी महाअष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबको, सबकी मन की इच्छा को पूरा करे और सबको निरोग और सुरक्षित रखें। बस यही माँ से विनती है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:45। हो रहा है तो पूजा वजह तो कब से मैंने कब का हो गया, लेकिन यह अभी भी चल रहा है। अब लास्ट ही है। सोच रहे थे आज खाना में क्या बनाए, तो कल तो कढ़ी ही बनाने के लिए सोचे थे कि कढ़ी बनाएंगे। और क्या बनाए, साग का पत्ता तोड़ लें। इसको अच्छा से देख लेते है तो इतना ही, और तो है नहीं। तो जा रहे हैं आज कढ़ी चावल और कद्दू, मतलब लौकी, लौकी है और उसमें एक छोटा सा बैगन है जो मतलब काटे तो थोड़ा सा खराब निकल गया, तो वो बैगन है उसी में डाल दिए हैं। दो आलू काट के डाल दिए हैं और कद्दू भी उसी में काट के डाले हैं। इसको अच्छा से धोना पड़ेगा। और एक झिंगी था तो कद्दू हो गया, एक झिंगी हो गया, एक बैगन हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, पांच तरह का हो गया फिर सब्जी। और थोड़ा सा काट लिए हैं वो बचका के लिए आलू और ये कद्दू। और अब जा रहे हैं बनाने, पहले बनाएंगे सब्जी। हाँ पहले सब्जी बनाएंगे, सब्जी छोड़ देते हैं। एक तरफ चावल चढ़ाएंगे और एक तरफ खीर। आज अष्टमी है तो सोच रहे हैं कि खीर बना लेते हैं। पूजा वूजा तो ऐसे नहीं कुछ किए हैं लेकिन बना लेते हैं। सब कुछ छूट सकता है लेकिन इंसान का खाना पीना तो नहीं ना छूटता है। खाना पीना तो लोग थक खाता ही है, कहाँ छोड़ देते हैं। हाँ लेकिन उस तिथि को थोड़ा सा तकलीफ होता है। खैर माता रानी की कृपा से आज अष्टमी है तो चलिए फटाफट खाना भी बनाते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम आज हमको लगता है। 10:45 हो गया, कितना टाइम में हम बना पाते हैं। ठीक है, हालांकि शुरू करते करते हमको 10:55 हो गया था। तो फिर चूंकि साग का पत्ता होता तोड़ के लाए, फिर बात करने में रह गए तो 10:55 हो गया था। एक खीर के लिए चावल डाल दिए, धो के रखे थे, थोड़ा सा था तो एक गैस पे चढ़ा दिए थे खीर, एक गैस पे चढ़ाए सब्जी और एक पे चावल चढ़ा दिए। क्योंकि 11 बज गया था तो खाना भी जल्दी बनाना था तो हो गया था फटाफट। थोड़ा सा वही जिसको बचका बोलते हैं, पकौड़ा बोलते हैं, पकौड़ी बोलते हैं, उसको तलने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हो गया था ज़्यादा आइटम। और मेरा मसाला रखने वाला है मसालदानी, उसमें हम रखते नहीं क्योंकि कभी कभी उसमें
गिर के मिक्स हो जाता है, इसलिए हम जितना कांच वाला जो है ना, कॉफी वाला जारो, सब में उसी में रखते हैं, और मसालेदानी में रखते हैं सूखा हुआ मसाला, जीरा हो गया, सौंफ हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, गरम मसाला हो गया, कड़ा गरम मसाला, सब उसी में हम रखते हैं, क्योंकि वो नहीं मिलेगा। और कांच वाला में जो पीसा हुआ मसाला है सो, तो अलग अलग मसाला वाला सीसी है, तो उस सबको अलग अलग खोलो निकालो डालो, खोलो निकालो डालो, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन यही है कि मिक्स होने का टेंशन नहीं है। अरे चावल धोने के लिए पानी निकाल लिए गर्म, तो डाल दिए हैं पानी सब्जी में हल्का सा, 2 चम्मच था। उसके बाद बेसन छानने के लिए गए, बेसन छान लेते हैं, क्योंकि कढ़ी का घोल भी तैयार करना है ना, पकौड़ी के लिए भी, घोल के लिए भी है। तो घर का पिसवाया हुआ बेसन, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, और कुछ है भी नहीं लेकिन मन नहीं मानता, एक बार छान लिया जाए भाई, संतुष्टि हो जाता है। तो वैसे तो 1 घंटा टाइम लगता ही है, अगर सारा कुछ तैयारी करके रखते थे तो 30 मिनट बस इतना में, जो मतलब उसको उबलने में पकने में जो टाइम लगे बस, और नहीं तो फिर तैयारी अगर नहीं किया हुआ है तब 1 घंटा लगता है। तो आज भी फिर वही फटाफट थोड़ा सा करना था, क्योंकि 11 तो बज गया था, खाना बनाने आए थे तब तक, तो जल्दी खाना भी बनाना था, और वहाँ जो है वही बता रहे हैं कि मतलब पकौड़ी के लिए घोल तैयार कर रहे थे, और आज फिर हम नाइटी में आ गए, क्योंकि नहा कर पूजा किए तो कहे कि चलो स्टॉल लेके खाना बना लेते हैं, वही ये है पकौड़ी के लिए गोर नहीं बेसन, हाँ कढ़ी क्या पकौड़ी के लिए बेसन घोल रहे थे, तो चम्मच से घोल रहे थे तो हो ही नहीं रहा था, थोड़ा तरी मेहनत किए नहीं हुआ, और जैसे ही हाथ से फिर 2 बार घुमाए हो गया। तो पकौड़ी थोड़ा सा ज्यादा हो गया था ये वाला, इधर चावल भी हो गया था, चावल चले गए डालने, अरे हम लोग यहाँ ना चावल डालते हैं ना तो सबसे पहले आग में 3 बार घुमा कर डाला जाता है, बोलते हैं कि अग्नि देवता को दिया जाता है, अब क्या बोला जाता है भगवान जाने हमको नहीं पता है, लेकिन शुरू से करते आ रहे हैं तो आज भी कर रहे हैं, जैसे लोग को देखे वैसे ही।
इस चीज को हमको बहुत मतलब ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जो करते देख रहे हैं वैसे ही करते हैं। और आज सब्जी में काट के ऊपर से टमाटर डालें, नहीं तो जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी जो भी है, आलू परवल है या फिर आलू बैंगन है, सब्जी के साथ में टमाटर डाल देते हैं, सब्जी के साथ साथ भुनेगा बस। लेकिन आज ऊपर से डालें, मन किया कि नहीं आज ऊपर से डाल के बनाएंगे। चलो ऐसे भी बना लेते हैं। जैसे हाथ से 2 से 4 बार घुमाए और उसके बाद पानी में डाले, तुरंत ऊपर खिल के आ गया। हमने देखो उसके बाद फिर उसमें सारा मसाला फिर डाले, हल्दी, जीरा गुलकी का पाउडर और लाल मिर्च और नमक, बस इतने ही डाले, धनिया पाउडर नहीं डाले, लाल मिर्च का पाउडर डाले बस। मिक्स करके अलग से बरी के लिए निकाल के रख दिए। फिर उसके बाद जो कढ़ी बनाना था गोल, उसको तैयार करके रखे। फिर इसी बर्तन में पकौड़े के लिए भी तैयार कर लिए घोल। और असल में हम सोचे कि जितना होगा लगातार मतलब वीडियो शूट करेंगे, जितना टाइम लगेगा वो टोटल, लेकिन मेरा मोबाइल में तो स्पेस उतना है नहीं कि 1 घंटा का वीडियो शूट करें। और पहले से भी शुरू से भी मेरा मतलब सुबह का भी कुछ वीडियो था, तो जिसके कारण जैसे बस का बनाना शुरू किए मेरा स्पेस ख़त्म दिखा रहा है, स्पेस ख़त्म है, तो वीडियो नहीं फिर बना। बोले चलो जितना बना उतना ही सही। अब इसका तो प्रॉब्लम है, कब इसका निवारण होता है। अब तो कम लगता है, लेकिन पहले ज़्यादा लगता था कि इतना टाइम में मेरा काम हो जाएगा कि नहीं। एक समय रहता है, एक उम्र रहता है, लेकिन किसी किसी चीज़ में आज भी हमको लगता है कि नहीं हम ये काम कर पाएंगे कि नहीं, हमसे होगा कि नहीं, हम करके देखते हैं तो आज भी लगता है। लेकिन कुछ चीज़ था जो पहले और ज़्यादा लगता था, मतलब एक होता है ना चैलेंज लेने जैसा कि देखते हैं करके होता है कि नहीं, कितना टाइम में हम कर सकते हैं, खाना ही नहीं कोई और काम भी, कुछ और काम भी। सबसे ज़्यादा तो मेरा पर डे का था, ड्यूटी जाते थे ना तो पहुंचने में पक्का अगर नॉर्मल रूप से आदमी चल के जाए तो 25 मिनट लगता है यहाँ से जवाहर टाकेज जाने में, क्योंकि घूम के जाना पड़ता है थोड़ा। और हम निकलते थे तो सोचते थे कि बस 10 से 12 मिनट है टाइम, 15 मिनट हार्डली 15 मिनट, अगर 15 से 17 हुआ था मेरा बस छूट जाएगा। पहुंच पाते हैं या नहीं देखते हैं, पहुंच पाते हैं या नहीं, मतलब पर डे मेरा धड़कन तेज रहता था और वैसे ही बाई में जाते थे, लेकिन पहुँच जाते थे। और यहाँ पकौड़े के लिए जो घोल तैयार किए हैं उसमें मसाला मिला देना, हाँ उसी का है, वही थोड़ा सा घोल की जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर।
तो अब एक तरफ चावल भी हो गया था, सब्जी भी हो गया था, एक तरफ कढ़ी चढ़ा दिए थे घोल, और एक तरफ कढ़ी के लिए जो बरी है उसको तल रहे थे। तो लीजिए 12 बज गया। यह है कढ़ी और इतना सारा बसका बनाने में मेरा टाइम चला गया। यह है साग का जो पत्ता तोड़ के लाए थे ना, उसका क्रंची क्रंची आलू का, और ये हो गया सब्जी, ये तो चावल, ये हो गया खीर। तो एक घंटा तो लग गया था टाइम, लेकिन थोड़ा सा बसका बनाने में टाइम ज़्यादा लगा। तो एक घंटा में खाना बन के तैयार। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में।